दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। बहुत लोगों का प्रश्न था कि सर CISF की लाइफ कैसी है, क्या काम करती है और मतलब बाहर जाने को मिलेगा, छुट्टी मिलेगी या कोई परेशानी नहीं है इस तरह करके। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक भाई है, उसका बार बार ये आ रहा है कि सर जो कमांडो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ज़्यादा नहीं, 20-25 सेकेंड लूँगा मैं। कमांडो कोर्स देखो, एक होता है QRT, एक होता है STF। CISF में बता रहा हूँ मैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम जो 4 हफ्ते का होता है, मतलब 1 महीने का आप मान सकते हो। एक होता है 12 हफ्ते या 3 महीने का स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतने दिनों की होती है। इसके अलावा इनको जो बेनिफिट मिलता है, तो ये याद रखना कि इनको मिनिमम 2 साल या उससे ज़्यादा, STF का अलग पोस्टिंग भी होता है कई बार, और उनको फैसिलिटी के तौर पे 10 दिन की एक्स्ट्रा स्पेशल लीव मिलता है हर साल, ठीक है। जब वो STF के तौर पे पोस्टेड होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे STF का टीम जैसे होता है, या एयरपोर्ट पे, मेट्रो में, या किसी DAE DOS में। DAE DOS का मतलब भी आपको बता चुका हूँ पहले, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। अभी लाइफ की बात करूं अगर CISF की, तो देखो फोर्स तो है, लेकिन बाकी फोर्सेस के तुलना में सिविल लाइफ इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इंजॉय कर सकते हो, फैमिली को हमेशा साथ में रख सकते हो, ठीक है, पेरेंट्स को साथ रख सकते हो। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि आप जहाँ पे रहोगे वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी रहेगा, और जहाँ जहाँ जाओगे लगभग बड़ी सिटी में रहोगे, ठीक है। कुछ जगहों पे अगर छोड़ दें तो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे माइंस वगैरह है वहाँ पे बहुत दूर दराज जगहों पे रहता है ये यूनिट, लेकिन फिर भी आपके पास उतनी फैसिलिटी होगी कि आप फैमिली को रख करके बच्चों को पढ़ा सकते हो, या कुछ और मामले में बाकी फोर्सेस के तुलना में इस प्रकार से बेहतर है। क्योंकि अब हम फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, जब तक पैसा नहीं होता तब तक हम ये सोचते हैं कि कहीं भी नौकरी मिल जाए या कुछ भी हो जाए चल जाएगा, चाहे आप कहीं पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास नौकरी लगेगी आपको, फिर आप सोचोगे यार फैमिली के पास रहें, फैमिली के साथ रहें। तो CISF इस मामले में थोड़ी सी अच्छी है, हालांकि बाकी फोर्सेस में भी फैमिली रखने की सुविधा है, ऐसा नहीं, क्वार्टर तो हर जगह है, ठीक है, कुछ जगहों पे कम कुछ जगहों पे ज़्यादा है। अभी ड्यूटी आवर्स की बात करें, तो ड्यूटी देखो, ड्यूटी आवर्स में 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप कहीं भी आ जा सकते हो, कम से कम CISF में तो आ जा सकते हो। दूसरे फोर्सेस में या CISF में भी रूल के हिसाब से क्या होता है, 24 घंटे। आप एक लड़का कमेंट किया था कि सर PT ड्रेस में, मतलब यूनिफॉर्म में क्यों रहते हैं हमेशा। तो देखो यूनिफॉर्म में CISF भी रहती है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरे फोर्सेस में ये ज़्यादा है कि वो 24 घंटे PT यूनिफॉर्म में होते हैं। देखे होंगे आप नीचे जंगल सूज, लोअर और ऊपर टी शर्ट, ठीक है। ये CISF में भी है लेकिन थोड़ा कम है। तो ये हम क्या होते हैं, हम हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं इसलिए ये पहनते हैं, ठीक है। अब 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली वेलफेयर की बात करूँ, जो सुविधाएं मिलती है हमको या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो सबको सेम ही मिलती है, ठीक है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जहाँ पे आप रहोगे वहाँ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है वो सबको सेम ही देती है, इसमें कहीं कोई बिल्कुल भी अंतर नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फोर्सेस में हो आप। फैमिली वेलफेयर के बारे में एक बताता हूँ, एक सच्ची घटना। हमारे जो उस्ताद थे ना WT के, वेपन ट्रेनिंग जो मैं हम लोगों को दिए, वो पहले इसरो में थे कुछ सालों तक। तो वो एक बताया, सबसे बढ़िया बात ये कि इसरो में जो स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे साइंटिस्ट के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मतलब जब आप फैमिली बन जाओगे और बच्चे होंगे तो वो आपके बच्चे भी उनके साथ पढ़ेंगे जहाँ पे साइंटिस्ट के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है। और इसके लिए ऐसा कुछ नहीं, कुछ करना नहीं होता, आप केंद्रीय विद्यालय में या उस स्कूल में सीधे ट्रांसफ़र लेते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाती है। और अगर शुरुआत में लेते हो तो फिर तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इस बात से थोड़ा समझ सकते हो कि मतलब आपको कितनी सुविधा मिलने वाली है। बाकी आपको पढ़ने लिखने का समय हमेशा मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर में तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे वहाँ पे, या करोगे भी तो बहुत कम, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं।
लेकिन जैसे यूनिट पहुंचोगे ना, यूनिट में पढ़ाई करने का पूरा मौका मिलेगा आपको, ऐसा कोई चाहे वो किसी फोर्सेस में हो, हाँ सीएसएफ में हो सकता है कि जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होगी वहाँ पे अलग बात है कि ज़्यादा हो कम हो, लेकिन हाँ आपको पढ़ने का मौका हर जगह मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, चाहे वो किसी भी यूनिट में जाओ, ठीक है। बाकी अगर कुछ पूछना हो सीएसएफ रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं, हाँ अगर कुछ हो तो आप ज़रूर लिखिएगा हमको, जवाब आपको अवश्य मिलेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।